नमस्कार, आप देख रहे हैं HBN न्यूज। अखिल भारतीय किसान सभा और अन्य किसान संगठनों के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल AIKS की ओर से आक्रोश प्रदर्शन किया गया। देखिए, अखिल भारतीय किसान सभा समेत अन्य किसान संगठनों के आह्वान पर दरभंगा जिला किसान काउंसिल AIKS की ओर से CPIM राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय किसान नेता जोगिंदर यादव समेत अन्य नेताओं पर दिल्ली दंगे के फर्जी मुकदमे में फंसाने की साजिश पर रोक लगाने, फर्जी मुकदमा वापस लेने, केंद्र सरकार की कॉरपोरेट प्रस्त 3 अध्यादेश वापस लेने, हरियाणा के किसान संगठनों के आंदोलनकारियों पर किए गए दमन लाठीचार्ज के दोषियों पर कार्रवाई करने, बाढ़ का स्थायी निदान करने, सभी को बाढ़ राहत देने, सभी तरह का किसानों का कर्जा माफ करने, फसल क्षति अनुदान देने, राम सकरी अशोक पेपर मिल चालू करने की मांग को लेकर लहरिया सराय पोलो मैदान स्थित धरना स्थल से देशव्यापी प्रतिरोध कार्रवाई के आह्वान पर प्रतिवाद मार्च निकाला गया और लहरिया सराय टावर पर प्रधानमंत्री का पुतला जलाया गया। प्रतिवाद मार्च पोलो मैदान, लहरिया सराय बस स्टैंड, लोहिया चौक, लहरिया सराय टावर, समाहरणालय, आयुक्त कार्यालय होते हुए पुनः लहरिया सराय टावर पहुंचा और प्रधानमंत्री का पुतला जलाया। वही किसान काउंसिल के जिला संयुक्त सचिव राम सागर पासवान की अध्यक्षता में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए बिहार राज्य किसान काउंसिल के राज्य अध्यक्ष साथी ललन चौधरी ने कहा कि मोदी सरकार के कॉरपोरेट परस्त नीतियों के कारण देश आज गंभीर आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही है। सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश लाया है और इस अध्यादेश के जरिए कृषि कानूनों और बिजली कानूनों में परिवर्तन किए जा रहे हैं, जिससे फसल के दाम गिर जाएंगे, खेती की लागत महंगी होगी और बीज और खाद्य सुरक्षा के लिए सरकारी हस्तक्षेप की संभावना समाप्त हो जाएगी। ये परिवर्तन पूरी तरह कॉरपोरेट परस्त और कालाबाजारी जमाखोरी को बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने कहा कि दिल्ली दंगे में CPIM राष्ट्रीय महासचिव कामरेड सीताराम येचुरी, राष्ट्रीय किसान नेता योगेंद्र यादव समेत कई प्रोफेसर और अन्य नेताओं को फर्जी मुकदमे में फंसाया गया है, ये काफी निंदनीय है। उन्होंने कहा कि कामरेड सीताराम येचुरी संविधान की रक्षा की लड़ाई का नेतृत्व राष्ट्रीय स्तर पर कर रहे हैं, इस फर्जी मुकदमे में फंसाना जनतंत्र पर हमला है। ब्यूरो रिपोर्ट, HBN न्यूज। अखिल भारतीय स्तर पर प्रतिवाद दिवस मनाए जा रहे हैं। प्रतिवाद इन बातों के लिए है जो मोदी जी की सरकार ने किसान विरोधी 3 अध्यादेश का कानून बनाने के लिए इस सेशन में पार्लियामेंट में वो लागू करेंगे। वो तीनों अध्यादेश किसान विरोधी है। किसानों के जो उत्पादन थे उसके कीमत सरकार तय करती थी, अब वो मार्केट तय करेगी, पूंजीपत तय करेगी। उसकी सीमा थी कितना आप स्टोर कर सकते हैं, 7EC कानून था, उनको उन्होंने निरस्त किया। अब जिसके पास कैपिटल है वो अकूत संपत्ति से उसको एक जगह इकट्ठा करेगा और अपने टर्म पर वो वस्तु को बेचेगा, महंगाई बढ़ेगी। और तीसरा है जो मंडी कानून को उन्होंने परिवर्तित कर दिया। बिहार में तो पहले बाजार समिति खत्म हो गई थी, इसलिए देशव्यापी इसका प्रतिवाद हो रहा है। जो दूसरा मांग है इस आंदोलन का वो है जो दिल्ली में जो बड़े दंगे हुए, निर्दोष लोग मारे गए, जो हेट स्पीच हुआ उन तमाम लोगों पर कोई कार्रवाई नहीं, देश के डिप्टी फाइनेंस मिनिस्टर पर कोई कार्रवाई नहीं। और कार्रवाई किस पर हो रही है तो सीताराम येचुरी चार सीटेड किए गए, जोगेंद्र यादव किसान नेता चार सीटेड किए गए, सदर ये पूरे सरकार का इतना गृह मंत्री का सर्वनाश या घट कार्रवाई है जिसका प्रतिवाद और विरोध देशव्यापी पैमाने पर हो रहा है। इसलिए प्रधानमंत्री का पुतला दहन आज लहरिया सराय टावर पर किया गया है। ललन चौधरी अध्यक्ष बिहार राज्य किसान संघ।